हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुष राइटी के बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ सीबीएसई के फिफ्थ एपिसोड में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिया है, आउटसाइड दिल्ली सेट वन 2010 का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स कैटेगरी का क्वेश्चन है, ठीक है, मैट्रिसेस का क्वेश्चन। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड वेरीफाई द रिजल्ट। ये हमारे पास में एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, इसको हम लोग को एक रिप्रेजेंट करना है इन अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, पहले तो ये समझना पड़ेगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जिसमें ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई होता है, ठीक है। मतलब कि मान लो ये हमारे पास में एक मैट्रिक्स है और यहाँ पे हमारे पास में एलिमेंट्स है मान लो, ठीक है, तो ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं ये सेम होंगे, ये जो एलिमेंट है ये इसके साथ सेम होगा, ये जो एलिमेंट है ये इसके साथ सेम होगा, इस तरीके से, ठीक है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए आई ए जे आई होते हैं। वापस से कह रहा हूं, सिमेट्रिक में क्या होता है, ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई, ठीक है, मतलब जो एलिमेंट ए आई जे में है वही एलिमेंट सेम होगा ए जे आई में। आई जे और जे आई क्या है, रो और कॉलम का पेयर है, 1 2 2 1 ऐसे करके, ठीक है। और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं उस एलिमेंट्स में होता है ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए जे आई, मतलब कि ये दोनों एलिमेंट्स जो होते हैं ये होते तो सेम है लेकिन इनमें साइन का डिफरेंस रहता है, ठीक है, इन दोनों में भी साइन का डिफरेंस रहता है, इसमें और इसमें भी साइन का डिफरेंस रहता है, ठीक है। और इसमें एक खास बात होती है कि इसका जो डायगनल एलिमेंट्स है वो पूरा का पूरा यहां पर जीरो होता है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग निकालते कैसे इसको, यहां पर ए प्लस ए ट्रांसपोज करते हैं हम लोग सबसे पहले और उसको हाफ कर देते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिस्टम ये होता है कि आपके पास में ए दिया हुआ है, ए को वापस से इज्जत से लिख लेते हैं, 3 - 2 - 4, 3 - 2 - 5, -1 - 1 और 2, ठीक है। अब इसी तरीके से ए ट्रांसपोज लिख देते हैं, ए ट्रांसपोज कैसे लिखते हैं आप लोगों को आता होगा, इस तरीके से ए ट्रांसपोज लिख देते हैं, 3 - 2 - 4 को आप इस बार कॉलम में लिख दो, 3 - 2 - 4, फिर 3 - 2 - 5 को आप इस तरीके से लिख दो, 3 - 2 - 5, फिर -1 - 1 और 2 को आप इस तरीके से लिख दो, -1 - 1 और 2, ठीक है। ये लिखने के बाद में आपको क्या करना है, एक बार इन दोनों को ऐड करना है और हाफ से डिवाइड करना है, एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और हाफ से डिवाइड करना है। तो जब आप ऐड करोगे ए प्लस ए ट्रांसपोज और इसको जब आप हाफ करोगे, ठीक है, आप चेक कर लो, ऐड करके आपको आधा करना है, तो आपको क्या मिलेगा, 3 + 3 कितना हो जाता है, 6, और उसको आधा करने पर आपको मिलता है 3, फिर -2 और 3 को ऐड करने से आपको मिलता है कितना, 1, और फिर आधा करने से आपको मिलता है 1/2, उसी तरीके से -4 और -1 को करने से मिलता है -5, आधा करने से मिलता है -5/2, 3 और -2 को मिलता है 1 और फिर 1/2, इसी तरीके से -4/2 मतलब -2, -5 + 1 - 4/2 मतलब -2, उसी तरीके से -1 और -4 - 5/2 और फिर 1 और -5 हो जाएगा -4/2 मतलब -2, 2 और 2 हो जाएगा 4/2 मतलब 2, इस तरीके से कुछ कुछ आपको मिल रहा है, ये हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। यहां पर आप चेक करो कि ये जो मैट्रिक्स बना है ये पूरा का पूरा क्या बना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना है, क्योंकि यहां पर हाफ और हाफ सेम है, -5/2 - 5/2 सेम है, -2 - 2 सेम है, ठीक है। इसी तरीके से जब हम लोग सॉल्व करते हैं यहां पर स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है और फिर 2 से डिवाइड करना पड़ता है, मतलब हम लोग को निकालना पड़ता है हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। इन दोनों को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहां पर देखो अब क्या बन रहा है, यहां पर हमको मिलेगा 3 - 3 हो जाता है 0, उसी तरीके से सबको आप माइनस कर दो और फिर डिवाइड बाई 2 भी लगा दो, तो -2 - 3 हो जाता है -5 मतलब -5/2, फिर -4 और -1 - 1 हो जाता है -3 और -3/2, उसी तरीके से 3 - 1 - 2 हो जाता है 5 और 5/2, और -2 और -1 हो जाता है आपका 0, और फिर आपको मिलता है -5 और -1 - 6/2 मतलब -3, -1 और ये हो जाएगा -1 - 4 मतलब हो जाएगा +3 मतलब 3/2, उसी तरीके से 1 और -5 हो जाएगा 6/2 मतलब हो जाएगा 3, और 2 और -2 हो जाएगा यहां पर 0, ठीक है। अब ये जो आपको मैट्रिक्स मिला है ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि यहां पर ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जे आई है। आप देख लो यहां पर -5/2 आया, यहां पर 5/2 आया, या -3/2 यहां पर 3/2 आया, या -3 आया यहां पर 3 आया, ठीक है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। यहां पर क्या एक्जैक्टली सेम है, 1/2 1/2, -5/2 - 5/2, -2 - 2 इस तरीके से, ठीक है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो डायगनल एलिमेंट्स आते हैं वो पूरे के पूरे क्या आ जाते हैं, 0 आ जाते हैं, लेकिन यहां पर पूरे के पूरे 0 नहीं आते हैं। अब किसी भी मैट्रिक्स को, ये मान लो हमारे पास में ए मैट्रिक्स है, इसको अगर हम लोग को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस
ए ट्रांसपोज, ठीक है। ये बेसिकली ए प्लस ए ट्रांसपोज करने से एक स्कीमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाता है, ए माइनस ए ट्रांसपोज करने से एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाता है। दोनों का अगर हम लोग हाफ से डिवाइड कर देते हैं और एडअप कर देते हैं तो हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो हम लोग को पहला जो मैट्रिक्स हम लोगों ने लिया था वही निकल के आ जाता है। तो क्वेश्चन में वही कह रहा है कि इस एक्सप्रेस करना है हम लोग को फॉलोइंग मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फॉर्मूला यही होता है, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। आपको ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है, दोनों को आपको 2 से डिवाइड करना है और फाइनली जो आएगा उन दोनों को आपको एडअप करना है और वेरीफाई करना है कि आपका जो रिजल्ट है वो इंडिविजुअल इनिशियल रिजल्ट के बराबर आ रहा है। तो जब आप इन दोनों को वापस से ऐड करोगे चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, तो आपको मिलेगा 3 प्लस 0 3, माइनस 5 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 आपको मिल जाएगा माइनस 4 बाई 2 मतलब माइनस 2, माइनस 5 बाई 2 प्लस माइनस 3 बाई 2 आपको मिल जाएगा वापस से माइनस 4। इस तरीके से आप एक एक को ऐड करते जाना तो आपको इनिशियल यही वाले रिजल्ट्स मिल जाएंगे। जैसे अगर डायगनल एलिमेंट्स की बात करें तो ये वाला इसको अगर चेक करें माइनस 2 तो यहां पर आ रहा है माइनस 2, यहां पर आ रहा है 0, दोनों को ऐड करके आपको मिल जाएगा माइनस 2। यहां पर आ रहा है 2, यहां पर आ रहा है 0, दोनों को ऐड करके आपको मिल जाएगा 2, तो यहां पर 2 दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से ये दिया है 1, यहां पे आप माइनस 2 है, यहां पे 3 है, 3 प्लस माइनस 2 हो जाएगा 1, तो यहां पर 1 है। तो यही प्रॉपर्टी है इसकी कि आप इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है, दोनों को ऐड करना है, आपको पहले तो इसको एक्सप्रेस करना है इस तरीके से, और जो वेरीफाई वाला रिजल्ट है वो आपको बस एक वेरीफाई करके देखना है कि ये जो ऐड करके आप लोग देख रहे हो तो वो आपका इनिशियल ए के बराबर आ जा रहा है। बस यही बात है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने इसे कुछ सीखा होगा। अगर आपने इसे कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बने रहिए।